इस संसार में देखिए रिश्ता सबसे बनाना चाहिए, अच्छी बात है, पर रिश्ता बस ये सोच के बनाए, प्रेम से सबके साथ रहना है। एक बात को हमेशा स्मरण में रखें कि आप और हम भगवान से प्रेम तब ही कर सकते हैं जब हम इंसानों से प्रेम करना सीखेंगे। इंसानों से हम कहना ना हमारी इनसे मनुष्यों से बिल्कुल नहीं पटती है, एकदम नहीं। तो जब हम साधारण इंसान से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमारे प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि हम भगवान से रिश्ता जोड़ सके? शुरुआत तो घर से ही होगी ना, अपने घर से होगी, समाज से होगी, अपने यहाँ से होगी। हम इंसान से यदि प्रेम कर सकते हैं तो ये संभव है कि जो प्रेम आज जीव से है वो प्रेम कल को जगदीश से हो सकता है, और यदि प्रेम ही नहीं है तो न जीव से हो सकता है ना ही जगदीश से हो सकता है, दोनों में से किसी से नहीं हो सकता। भक्त पता है हक रखते हैं भगवान पे, भक्त ये नहीं देखते हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम सिर्फ इतने तक रखते हैं, हम गए हमने अगरबत्ती दिखाई पूजा की बस इतने तक का ही हमारा संबंध। भक्त का रिश्ता होता है, भक्त का संबंध होता है, किसी के माता होते हैं। हम श्लोक में तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्चस्का तुमेव, आप ही माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, बना तो सब दिया पर माना क्या, सच में हृदय से क्या माना? इनके सामने पहुंचिए तो जो मानते हैं बस उसी भाव से इनसे मिलिए। मित्र मानते हैं तो बिल्कुल यार दोस्तों की तरह बात करिए, आज तो ऐसा हुआ है। यदि माता पिता मानते हैं तो इनसे आशीर्वाद लीजिए, मन की बात इनसे कहिए। भाई मानते हैं तो हर राखी पर पहली राखी इनकी होनी चाहिए। जो भी संबंध आप मानते हैं पहले संबंध तो जोड़ा जाए। मलूकदास जी का नाम सुना है? सुना है किसने किसने सुना है, हाथ जरा ऊपर करिए। मलूकदास जी का वो अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना, दास मलूक का कह गए सबके दाता, वही वाले मलूकदास। मलूकदास जी महाराज कहते हैं बहुत दिन से आपका नाम सुन रहा था, क्या नाम? दीन दयाल। सुना है आप दीनों पर दया करते हो इसीलिए दीन दयाल कहलाते हो। हमने भी बड़ा नाम सुना तो सोचा एक बार हम भी आपकी दयालुता देख लें कि कितने दयालु हो। बस नाम ही है कि काम भी है, भगवान से कह रहे हैं ये बात, किसी साधारण इंसान से नहीं। दीन दयाल सुनियो जब ते तब ते मन में यह बात बसी है, अब तेरो कहाए के जाओ कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। अब एक बार यदि आपका बन गया हूं तो आपका बनने के बाद और किसके चौखट पे मैं जाकर के अपने दिल की बात कहूँ? मैं तो नहीं जाने वाला। अब मेरा अच्छा करो, मेरा बुरा करो, जो करो वो आपकी मर्जी, हम तो आपके भरोसे हो लिए। यदि आप हम पर कृपा करोगे तो आपका दीन दयाल नाम सार्थक होगा, और यदि नहीं करोगे तो जग हंसाई भी आपकी ही होगी, हमसे कोई लेना देना। ये भक्त का स्वभाव है। भक्त कहते हैं हमारी बारी गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। इतने सारे लोगों का भला किया है, शबरी को तारा, केवट को तारा, जटायु जी का उद्धार किया, सबको तारा है। अरे धर्मियों को तो छोड़ो, आपने अधर्मियों को भी तारा है, इतने लोगों को तारा है। यदि हमारी बार आपने मुंह फेरा और झूठ बोल के कहीं किनारा किया ना सरकार, तो ठीक नहीं होगा। भगत धमकी भी देते हैं क्योंकि उनका प्रेम इस हद तक होता है। हमारी बारी गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हम
शरण मोहन सनम झूठे हमारी बारी कर निकले मदन मोहन सनम झूठे हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। आप सभी को सिर्फ बैठना नहीं है, मेरे साथ गाते हुए कहना है। यहाँ पर यदि एक पल के लिए भी हृदय से बात निकल गई ना, तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर सोचते रहते कौन सा मंत्र मारे कि भगवान मिल जाए, वो मंत्र से मिलता तो बहुत पहले मिल गए होते। मंत्र से वो नहीं रीझते, वो प्रेम से रीझते। प्रेम हो तो आज ही मिलेंगे, और मिलने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साधारण इंसान भी 5 बार फोन किए बिना नहीं आता, भैया आ जाओ, देखते हैं, समय मिलने दीजिए। अब भगवान कैसे आ जाएंगे, आप ऐसे करके बैठे रहोगे, भगवान कहेंगे हम आ रहे हैं, ऐसे आएंगे, वो भी नहीं आएंगे, हम आने ही नहीं देंगे, मैं गिरेंद्र सरकार का लाला। चाहते हैं कि आ जाए सरकार, आज आए आप चाहते हैं, तो चाहते हैं तो जरा तालियों के साथ सभी लोग मेरे साथ साथ गाते हुए कहेंगे हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे तो सरदारी निकले मदन मोहन सनम झूठे।
अधमों से भी प्रेम होता है। यदि ये बात सच है तो भी बताओ, और यदि सच है तो इतनी देर क्यों? एक बात बताओ सरकार। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे के हम झूठे। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे के हम झूठे। निकले मदन मोहन सनम झूठे।
हे करुणा निधि करो यदि बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, हे करुणा निधि करो यदि बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो सब झगड़ा ही मिट जाए ना, तुम झूठे ना हम झूठे, तो सब झगड़ा मिट जाए ना तुम झूठे ना हम झूठे, हमारी बारी कर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बार में निकले मदन वत्सल, दयावत्सल, दया निधान, भगवान करुणा निधान है, भगवान कृपालु है। ये जितनी भी बातें सब कहते हैं ना, मैं पुकार पुकार के सबसे कहूंगा सब झूठ है, ना ये दयावत्सल है, ना ये भक्तवत्सल है, ना ये सुनते हैं, ना ये कृपा करते हैं। यदि मेरी बार आपने मुख मोड़ा तो मैं भी आपके ये सारे नाम झूठे कर दूंगा। श्री बिंदु जी का पद, आप लोग ना बहुत आलस करते हैं, मैं देखती हूँ। अभी भरद्वाज जी का प्रसंग आया, भरद्वाज जी ने मुख से नहीं बोला था कि सरकार बड़ी अच्छी लगी हमें कथा, मुख से नहीं बोला, मुख से तो यहाँ से बोलने से कोई मतलब नहीं, यहाँ से तो 25 झूठ बोलते हैं दिन भर में, 25 तो हमने कम कहा, 2 जीरो आगे लगा लीजिए, 2500 दिन भर में कम से कम 2500 झूठ बोलते हैं यहाँ से, पर ये झूठ नहीं बोलते। आंखें कभी झूठ, आंख हमेशा सच बोलती है। भरद्वाज जी की आंखों ने बोला, आंखों ने कैसे बोला, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। जिसने याज्ञवल्क्य जी को ये बता दिया कि प्रभु की, भगवान शंकर की यह कथा भरद्वाज जी को कितनी अच्छी है। आप सबकी भी आंखें बोलती हैं, यहाँ से हमें सबकी आंखें बराबर दिखाई देती हैं, हाथ पैर दिखे ना दिखे आंखें जरूर दिखती हैं, आंखें बता देती है कि कौन ऐसे ऐसे घुमा के देख रहा है, कहाँ झूला लगा, कहाँ जलेबी लगी, कहाँ क्या लगा, आंखें घूमती रहती है ना, तो समझ में आता है। जिसकी आंखें इधर से उधर टहल रही है मतलब उसका मन भी टहल रहा है, और जो एक तक मुझे देखता है मैं भी एक तक उसको देखती रहती हूँ, मुझे समझ आता है कि जो इधर देख रहा है वो यही है, और जो इधर उधर देख रहा है फलाने भाई साहब आज नहीं आए हैं क्या, वो मतलब फलाने भैया के घर ही पे उसका मन बैठा है, वो रह के भी कथा में नहीं है। तो भैया वक्त मिला है, इस वक्त को गवाइए मत, मत गवाइए,